हाय फ्रेंड्स, मैं सोनी मिश्रा भारत रसोई चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मटर की पकौड़ी। पकौड़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स 200 ग्राम मटर लिए हैं। ये हरा मटर है, छिलका हटा दिए हैं इसका। और ये दो बड़े साइज का प्याज है, इसे बारीक काट लिए हैं। और ये थोड़ी सी धनिया पत्ता है और थोड़ी सी अदरक को बारीक काट लिए हैं। और ये 4 चम्मच बेसन है। और इसी सामग्री से हम बनाने जा रहे हैं आज लाजवाब मटर का पकौड़ी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद पड़े तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मटर जो है, मटर को धोकर और एक मिक्सी के जार में इसे दरदरा पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा महीन नहीं करना है, दरदरा करना है। तो फ्रेंड्स, पीस लिए हैं मटर को और मटर का जो कंसिस्टेंसी है इस तरह से रहना चाहिए। ये महीन नहीं पीसे हैं, दरदरा ही पीसे हैं। तो इसे एक बाउल में डाल लेंगे और इसी तरह से सारे मटर को पीस लेंगे। सारे मटर को पीस चुकी हूँ फ्रेंड्स। और इसमें अब 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच। और इसमें आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च और या लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये 4 चम्मच जो बेसन था इसे भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच और स्वाद अनुसार नमक डाल दें, तो आप हींग भी थोड़ा डाल दें इसमें। बारीक कटा हुआ अदरक को भी डाल देंगे। और ये 2 बड़े साइज का जो प्याज बारीक काट के रखे थे इसे भी डाल देंगे। और धनिया पत्ती को भी डाल देंगे। और सारे सामग्री को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसमें पानी नहीं डालना है। और सारे सामग्री को फ्रेंड्स अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब ईंधन पर एक कढ़ाई चढ़ाकर और उसमें आप सरसों तेल या रिफाइंड ऑयल में सारे पकौड़ी को छान लें। तो चलिए छान के दिखा रहे हैं। कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिए फ्रेंड्स। अब इसमें जो ये पकौड़ी को डाल देना है इस तरह से, 2-4 पकौड़ी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पकौड़ी मेरा कंप्लीट होने वाला है। इसी तरह से छान लें। तो चलिए मैं छान के दिखा रही हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पकौड़ा मटर का बनकर तैयार है, हरी मटर का। और ये बहुत ही करंची बना है। इसे मैं एक तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अपने घर पर बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस पकौड़े को फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट में, लंच में, हर समय खा सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को बाय, धन्यवाद, नमस्कार।